कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ अलग और टेस्टी नाश्ता खाने का मन करता है, तो ऐसे में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुछ अलग और टेस्टी सा नाश्ता। तो इस नाश्ते को हमने यहाँ पे ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। तो हमने यहाँ पे लिया है 6 पीस ब्रेड। अभी यहाँ पे हम एक छोटी प्लेट ले लेते हैं और 1 पीस ब्रेड को हम इस प्लेट में डाल देंगे और नाइफ का इस्तेमाल करते हुए हम इसके किनारे को हटा देंगे। वैसे आप इसके किनारे भी रखते हुए नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन किनारे अगर हटा देंगे तो नाश्ता का रिज़ल्ट जो है अच्छा आएगा। और सारे के सारे ब्रेड के किनारे को हमें निकाल देना है और ये जो किनारे है इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाकर हम स्टोर करके रख लेंगे और किसी भी स्नैक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, सारे ब्रेड के किनारे निकल गए। अभी यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं और हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम इसे रफली तोड़ लेंगे। जितना हो सके छोटे छोटे भाग में हम इस ब्रेड को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे ब्रेड को हम इसी तरह रफली छोटे छोटे भाग में कर लेंगे। तो ब्रेड को तोड़ने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। तो चलिए हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम ब्रेड को जो छोटे छोटे पीस में किया था उसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। सारे के सारे ब्रेड को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड कर लिया हमने, ये देखिए, तो ब्रेड से हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेड क्रम्स है बाज़ार में भी मिलते हैं। आप चाहे तो बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हुए इस नाश्ते को भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं और तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को हम इसमें निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सामने से मैं दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे हम साइड पर रख देते हैं। अभी यहाँ पर हम 5 से 6 उबले हुए आलू ले लेंगे। हमने इसे पहले से बॉईल करके रख लिया था। अभी यहाँ पे हम एक बाउल ले लेते हैं और उसके ऊपर हम एक ग्रेटर डाल देंगे और बॉईल किए गए आलू को हम ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आलू को मैशर से मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेटर से ग्रेट करें आलू या फिर मैशर से। आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आलू में गुठलियाँ होंगी तो नाश्ते बिगड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए सारे आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो लीजिए, हमारा आलू ग्रेट हो चुका है। देन यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ले लेंगे 1 टीस्पून के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ में ले लें 1/2 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। साथ में इसमें डालेंगे भुनी हुई जीरा पाउडर। ये होममेड भुनी हुई जीरा पाउडर है। आप चाहे तो बाज़ार वाली भी भुनी हुई जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। ये 1/2 टीस्पून ही लेना है, ज़्यादा ना डालें। आप चाहे तो बाज़ार वाली ले लें या होममेड। साथ में ले लेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम स्पून का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें को हम आलू में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी प्लीज़ शेयर करें। देन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। ये आप ज़रूर डालें। साथ में ले लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और ये मसाले भी हम आलू में अच्छी तरह से मिला लेंगे स्पून के इस्तेमाल से। तो सारे मसाले को आलू में अच्छी तरह से मिला ले और इस तरह से आलू को भी अगर थोड़ी मोड़ी गुठलियाँ हों तो स्पून से आप इसे मैश कर ले। तो लीजिए, हमारी आलू वाली स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे हम ढक करके अलग साइड पर डाल देते हैं।
अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बड़ा सा परात, आप चाहे तो इसकी जगह बड़ा सा बाउल ले ले। और इसमें हम डाल देंगे तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को, और उसके बाद यहाँ पे हम स्पून से प्रेस करते हुए एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप जब भी आटे का मेज़रमेंट करें तो स्पून से दबा कर ले, इससे मेज़रमेंट अच्छी तरह से होता है। और गेहूं के आटे को हम ब्रेड क्रम्स में ले लेंगे, इससे बाइंडिंग आती है नाश्ते में। साथ में ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यानी सॉल्ट, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। और साथ में ले लेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल या घी, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 स्पून से हम नमक और ऑयल को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्पून से मिलाने के बाद हाथ से भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, हाथों से मिलाने की बात ही अलग होती है। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस तरह से बाइंड करके देख लेंगे तो हमारे हाथों में ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो चलिए अब इसे हम इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो थोड़े थोड़े पानी डालकर हम इसका डो तैयार करेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये डो बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े पानी डालते हुए इसको हम डो में बदल देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिल गया। अभी यहाँ पे हम थोड़े से और पानी डाल देते हैं और हथेलियों के पिछले वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम इस डो को बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगा। तो लीजिए हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसे हम इस तरह से गोल शेप देते हुए हम परात के बीचों बीच हम इसमें रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा हम रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे रेस्ट पे डालेंगे तो ऊपर वाले पार्ट हार्ड नहीं होंगे। तो चलिए इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। देन यहाँ पे एक छोटी वाली बाउल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी, साथ में ले लेंगे 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे पूरे घी से भी इस सलाड़ी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब गेहूं का आटा, और इसे डालने के बाद यहाँ पे हम स्पून से अच्छी तरह से घी और ऑयल में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिलाना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ या फिर लम्स नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए हमने इसे स्पून से अच्छी तरह से मिलाते हुए घी और ऑयल वाली सलाड़ी बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। चलिए इसे हम साइड पे रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हम डो को ले लेते हैं और ये देखिए उंगली से प्रेस करते हुए चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। इसे हम दोबारा से अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि दोबारा से हम अच्छी तरह से जब सेट करेंगे तो नाश्ता बिल्कुल अच्छी तरह से बनेगा, बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो। वापस से आटे को सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसे 2 भाग में कर लेंगे, और ये 2 भाग में करने के बाद हम ये दोनों भाग को हम बड़े से लोई में बदल देंगे, यानी कि एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे एक पेड़े से मैं 2 नाश्ते बनाकर तैयार करूँगी, इसीलिए इसे हम बड़ा ही बनाकर तैयार करेंगे। तो जिस तरह से रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह इसे भी बनाकर तैयार करना है, बस थोड़े सा जो लोई है बड़ी होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम थोड़े से सूखे आटे से डस्टिंग करेंगे और एक लोई हम ले लेंगे। उसके बाद बेलन के इस्तेमाल से हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो इसे हमें थोड़ा बड़ा आकार में बेल कर तैयार करना है, और क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा सा लोई बनाया है तो हमें बड़ा रोटी बनाकर तैयार करना है। बहुत ही ईजिली ये बेल जाता है क्योंकि हमने डो को बिल्कुल सॉफ्ट बनाकर तैयार किया था। तो जितने बड़े रोटी होते हैं उससे थोड़ा हमें बड़ा बेलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ा सा लोई बनाया था तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा बड़ा रोटी बेलकर तैयार करना है, और ना ही तो ज़्यादा पतली बेलनी है और ना ही ज़्यादा मोटी, बस इसी तरह होनी चाहिए देखें। और लीजिए हमारा ये बड़ा वाला रोटी बेलकर तैयार है। अभी यहाँ पे हमने जो घी और ऑयल की सलाड़ी तैयार किया था उसमें से हम 1 बड़े चम्मच बीचों बीच रोटी के
हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से घी और ऑयल वाली सलाड़ी को रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो अच्छी तरह से हमें फैलाना है, पूरे रोटी के ऊपर लगा देना है ये सलाड़ी। घी वाली सलाड़ी लगाने के बाद यहाँ पे हम छन्ने का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से आटे को हम छन्ने में डालेंगे और हल्का हल्का सा सूखे आटे से हम ऊपर से डस्टिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे रोल करेंगे तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे एक तरफ से हम इसे रोल करेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेट करते हुए हमें इसे रोल कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है। और ये देखिए रोल होने जाने के बाद हम ऊपर से हल्के हाथों से दबाते हुए हम अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे। तो ये देखिए रोल हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से आटे की डस्टिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमें थोड़े थोड़े सूखे आटे से डस्टिंग कर लेना है। आटे की डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम बेलन के इस्तेमाल से हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो हमें एक ही डायरेक्शन में बेलना है, जिस तरह से हम इसे रखे हुए हैं यानी कि लंबे आकार में ही हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। और ना तो ज़्यादा पतली बेलकर तैयार करनी है और ना ही ज़्यादा मोटी। और ये देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। देन यहाँ पर हम दोबारा से इसे बेलने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से यहाँ पे हम घी वाली सलाड़ी इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमें पूरे में अच्छी तरह से फैलाकर घी वाली सलाड़ी को हमें अच्छी तरह से लगा देना है। और सलाड़ी लगाने के बाद यहाँ पे हम इसे दोबारा से रोल करेंगे। इससे क्या होगा कि बिल्कुल जो ये नाश्ता जब हम बनाएंगे ना तो बिल्कुल लच्छेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। और ये देखिए बहुत ही इजीली ये रोल हो जाता है। और अच्छी तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए आप दोबारा से इसे रोल कर ले। रोल करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए हाथों से दबाते हुए इसे गोल गोल घुमाते हुए हम अच्छे से हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसे दो भाग में कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक लोई से दो नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। दो भाग में करने के बाद इसे हम लोई में अच्छी तरह से सेट कर देंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे थोड़ा सा चपटा करते हुए हम बनाकर तैयार करेंगे। दोनों लोई को इसी तरह हम बनाएंगे, हल्के हाथों से दबाते हुए सेट करके हम इसे रख लेंगे। लीजिए हमारा ये दोनों लोई बनकर तैयार है। अभी यहाँ पे अपनी हाथों का थंब यानी अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें होल करेंगे, यानी इसमें हम ये देखिए इस तरह से कटोरी शेप में बना लेंगे। और ध्यान रखना है हमें पिछले वाले जो हिस्से हैं वो बंद होनी चाहिए, वो नहीं खुलनी चाहिए। देखिए इस तरह से होनी चाहिए, पिछले वाले जो हिस्से हैं वो बंद होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। बस इसी तरह हमें दूसरे वाले भी लोई को इसी तरह बनाना है। तो चलिए एक हमारा लोई बनकर तैयार है। अभी हम दूसरे वाले को ले लेते हैं और अपने अंगूठे यानी थंब का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसमें हम होल कर देंगे। और ध्यान रखना है कि पीछे वाले जो पार्ट है वो खुलने नहीं चाहिए, वो सील्ड होनी चाहिए यानी बंद होनी चाहिए। तो लीजिए दोनों लोई में हमने अच्छी तरह से होल बना लिया है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम तैयार किए गए आलू की स्टफिंग को इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आलू की स्टफिंग डालने के लिए छोटी स्पून का इस्तेमाल करेंगे। छोटी वाली स्पून ले ले और इस तरह से थोड़े थोड़े आलू को हम इसके अंदर डालेंगे और स्पून से हम प्रेस करते हुए इसमें हम सेट करेंगे। तो ध्यान रखना है हमें आलू वाली स्टफिंग ज़्यादा नहीं डालनी है और न ही ज़्यादा कम। जितने इसमें एडजस्ट हो उतने ही इसमें डालें। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये फटने लगेंगे और नाश्ता हमारा बिगड़ जाएगा, और कम डालेंगे तो नाश्ते में टेस्ट नहीं आएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें आलू की स्टफिंग को जितने इसमें एडजस्ट हो स्पून से दबाते हुए हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए स्पून से दबा दें और आलू की स्टफिंग डालने के बाद यहाँ पे हम उंगली से प्रेस करते हुए आलू को सेट कर देंगे। तो चलिए एक हम ये लोई को ले लेते हैं और ऊपर से हम अच्छी तरह से सील्ड कर देंगे। और सील करने के बाद हाथों से दबाते हुए हल्का सा इसे हम चपटा कर देंगे। लीजिए एक तैयार है, दूसरा वाला को भी इसी तरह हम तैयार करेंगे। ऊपर से हाथों से इस तरह से शेप देते हुए हम सील्ड कर देंगे और सील करने के बाद हाथों से दबाते हुए इसे हम हल्का सा चपटा कर देंगे। तो लीजिए हमारा ये दूसरा वाला भी लोई बनकर तैयार है। तो अभी यहाँ पे हम एक प्लेट में इसे
डाल देते हैं, क्योंकि एक और लोई हमारी बची हुई है, उसे भी हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो सेम प्रोसेस करना है, सूखे आटे की डस्टिंग करते हुए इसे हमें बेलकर तैयार कर लेना है। तो दूसरे वाले लोई को भी हमने बड़े आकार में रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर एक बड़े चम्मच घी वाली सलाड़ी डालेंगे और ब्रश के इस्तेमाल से अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैलाकर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम छन्ने में थोड़े से आटे डालकर इसके ऊपर सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे। डस्टिंग करने के बाद हमें इसे रोल कर लेना है। इस तरह से एक तरफ से हम इसे राउंड राउंड घुमाते हुए हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो ये देखिए रोल हो चुका है। उसके बाद रोल होने के बाद इसके ऊपर थोड़े से आटे की डस्टिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमें आटे की डस्टिंग कर लेनी है। आटे की डस्टिंग करने के बाद बेलन के इस्तेमाल से हम इसे बेलकर तैयार करेंगे, जिस तरह से हमने पहले बेला था। तो ज़्यादा ना तो मोटी रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली, मीडियम ही रखनी है। तो लीजिए इसे भी बेलकर हमने तैयार कर लिया है। इसके ऊपर भी हम थोड़े से घी वाली सलाड़ी डालेंगे और अच्छी तरह से हम ब्रश के इस्तेमाल से यहाँ पर भी हम अच्छी तरह से फैला के लगा देंगे। घी लगाने के बाद हम एक किनारे से इस तरह से रोल कर लेंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था। बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से हम हाथों से प्रेस करते हुए बराबर बराबर करते हुए हम इसे रोल करेंगे। अच्छी तरह से सेट करें और हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। देन यहाँ पे इसे भी हम दो भाग में कर लेते हैं। दो भाग में करने के बाद इसे भी हम हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे सेट करते हुए लोई में बदल देंगे। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम अपने अंगूठे यानी थंब का इस्तेमाल करते हुए इसमें हम होल करेंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पीछे वाले पार्ट सील होने चाहिए। दूसरे वाले लोई को भी हम थंब का इस्तेमाल करते हुए इसमें हम होल कर लेंगे। और ये देखिए दोनों लोई हमारा बनकर तैयार है। चलिए यहाँ पे हम आलू की स्टफिंग इसमें डालते हैं। छोटी स्पून के इस्तेमाल से हम इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे और स्पून से हम आलू के स्टफिंग को इसमें प्रेस करते हुए सेट करेंगे। आलू के स्टफिंग डालने के बाद अच्छी तरह से हम ऊपर से इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम इसे हल्का सा चपटा कर देंगे। तो दोनों लोई को सेम प्रोसेस करके हमें तैयार करना है। लीजिए हमारा चारों नाश्ता का लोई बनकर तैयार है। देन यहाँ पे हम एक लोई ले लेते हैं और इसके ऊपर हम थोड़े से सूखे आटे की डस्टिंग करेंगे और दोनों तरफ हमें सूखे आटे को हल्का हल्का सा लगा देना है। और हल्के हाथों से इसे हम दबा कर इस तरह से फैलाएंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हल्के हाथों का दबाव डालते हुए हमें इसे बेलकर तैयार करना है। तो इसे हम ना तो ज़्यादा मोटी बेलेंगे और ना ही ज़्यादा पतली, बस इसी तरह होनी चाहिए। देखिए चलिए इसे हम प्लेट में रख देते हैं। अभी यहाँ पे हम दोबारा से लोई ले लेंगे और उसी तरह हमें जिस तरह से हमने पहले नाश्ते को तैयार किया था उसी तरह हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमारा ये दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार है। इसे भी हम एक प्लेट में डाल देते हैं। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। तीसरा वाला भी बेलकर तैयार है। चलिए इस नाश्ते को हम सेक लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे डाला है तवा। तवा गर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम पहले कम घी वाली नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे दो तरीके से नाश्ते को तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लेस ऑयल यानी लेस घी वाली हम नाश्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे तवे पे थोड़ा सा घी डाला है और तैयार किए गए एक नाश्ते को इसके ऊपर हम डालेंगे। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है। और ये देखिए ऊपर से हम हल्का सा घी इस तरह से हम फैलाकर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा घी का भी आप इस्तेमाल करके इस नाश्ते को बना सकते हैं, चॉइस आपकी। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से इस नाश्ते को बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कम ऑयल और घी वाली नाश्ते को बना रही हूँ। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए यहाँ पे हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। नीचे का पार्ट अच्छी तरह से सीख गया था तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे यानी हम पलट लेंगे और
इसे हम इस तरह से चलाते हुए, इसका जगह चेंज करते हुए, इस नाश्ते का कलर चेंज होने तक यानी क्रिस्पी होने तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है। तो ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये हल्का क्रिस्पी भी हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे घी कम लग रहा था तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर से लगा देते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। तो मीडियम फ्लेम रखते हुए और थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे घुमाते हुए, अलट पलट करते हुए, क्रिस्पी होने तक, कलर चेंज होने तक यानी गोल्डन कलर होने तक इसे हम सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा से ये नाश्ता बन रहा है और ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और मीडियम फ्लेम पे आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होता है। लीजिए हमारा ये पहला कम ऑयल और घी वाला नाश्ता बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कम घी वाला नाश्ता तैयार है। अभी हम दूसरा ज़्यादा ऑयल वाला नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ पे हमने तवे पे रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो ये ज़्यादा ऑयल वाला नाश्ता है ये दूसरा वाला नाश्ता। तो जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो हम इस नाश्ते को इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से मीडियम फ्लेम रखते हुए हम जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से सीख जाए तो इसे हम फ्लिप करेंगे। तो इस तरह से घुमा घुमा कर ऑयल में हम अच्छी तरह से इसे क्रिस्पी करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे तवा पे ना तो ये जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, एक बराबर सा सीखेगा। नीचे का पार्ट सीख गया था तो इसे हम बदल देते हैं यानी पलट लेते हैं। तो दोस्तों इसे भी हम मीडियम फ्लेम रखते हुए और कलर चेंज होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे हम तवे पे सेकेंगे। तो फ्रेंड्स यह चॉइस आपकी है, आप कम घी या ऑयल वाली नाश्ता बनाएं या फिर आप थोड़े से ज़्यादा ऑयल वाला भी नाश्ता बना सकते हैं, चॉइस आपकी। तो कभी कभी अगर कुछ अलग खाने का मन हो तो ऐसे में आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल वाला नाश्ता भी बनाकर खा सकते हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में जो हमने ये नाश्ता बनाया है तो इसका कलर कितना बढ़िया आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और इसका कलर देखिए कितना सुनहरा कलर आया है। तो हमारा ये जो दूसरा नाश्ता है ये भी तैयार हो चुका है और इसके अंदर जो आलू की स्टफिंग है उसका क्या ही बात है। तो चलिए इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा ये ज़्यादा ऑयल वाली भी नाश्ता बनकर तैयार है। देन यहाँ पे हम उसी बचे हुए ऑयल में हम तीसरे नाश्ते को भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से कम ऑयल वाली नाश्ता बना रही हूँ। तो इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक इसे भी हम सेकेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो लीजिए हमारा सारा का सारा नाश्ता बनकर तैयार है, कम ऑयल घी वाली और ज़्यादा ऑयल घी वाली भी। तो हमने इसे एक प्लेट में रखा है। अभी यहाँ पे हम इसके साथ आंवले की चटनी बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, कहीं नहीं जाए। यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से आंवले की चटनी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ताज़े ताज़े 4 से 5 आंवले लिए हैं और साथ में हमने लिया है 3 हरी मिर्च और 1 छोटे आकार की लहसुन। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जाली लेंगे जिस पे बैंगन या फिर आप कोई भी चीज़ रोस्ट करते हो ना उसी जाली का इस्तेमाल करते हुए हमें आंवले और हरी मिर्च और लहसुन को रोस्ट कर लेना है। तो हमने इसके ऊपर आंवले और लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया। अभी हम इस तरह से जाली को घुमाते हुए सारे चीज़ों को हम
अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो हमें आंवले को ज़्यादा पकाना नहीं है, आंवले को घुमाते हुए और हरी मिर्च को घुमाते हुए हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि चटनी में जो फ्लेवर आएगी रोस्ट वाली यानी स्मोकी फ्लेवर आएगी, उसका बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो आप लोग इस तरह से एक बार चटनी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से हम घुमाते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे ये आंवला रोस्ट होता जाएगा हम एक प्लेट पे इसे निकालते रहेंगे। तो ये देखिए एक दो हमारा आंवला रोस्ट हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हरी मिर्च भी रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये भी हरी मिर्च तैयार है, इसे भी निकाल लेते हैं और लहसुन को घुमाकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो लीजिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। अभी क्या करेंगे, हम हल्का सा इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इसमें हम डालने के बाद हाथों से हम इसके ऊपर जो काले वाले भाग है इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और ये काले वाले भाग को अच्छी तरह से निकालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। तो हमने यहाँ पे काले वाले पार्ट को अच्छी तरह से निकाल कर हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से धो लिया है। हमने यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ती भी लिया है, इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। धनिया पत्ती को इस तरह से हम रफली तोड़ लेंगे और ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। तो धनिया पत्ती डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम आंवले को पतले पतले स्लाइसेस में काट के हम इस पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स आंवले को आप ना पतले पतले स्लाइसेस में काट के डालें, अगर आप मोटे डालेंगे तो चटनी अच्छी तरह से नहीं पिसेंगी। और अच्छी तरह से अगर पतले स्लाइसेस में काट कर डालेंगे तो चटनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पिस जाएगी और जल्दी पिस जाएगी। तो सारे आंवले को हमने पतले स्लाइसेस में काट कर ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च को। मोटे मोटे भाग में हम सारे हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हमने जो लहसुन को रोस्ट किया था उसमें से हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और लहसुन की कलियाँ के छिलके निकाल देंगे। तो लहसुन को हमने जो रोस्ट किया है इससे इसमें से जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो 4 से 5 लहसुन की कलियाँ के छिलके निकाल कर इसमें हम डालेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक चटनी में आप थोड़ा ज़्यादा डालें। साथ में ले लेंगे भुनी हुई जीरा पाउडर, इसे आप ज़रूर डालें। और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लें। और हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए हमारा चटनी अच्छी तरह से पिस गया और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और बहुत ही परफेक्ट पिसकर तैयार हुआ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये चटनी ज़्यादा पतली हुई है और ना ही ज़्यादा थिक है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम पिसी हुई चटनी को निकाल देंगे। और ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आया है। ये कलर इसका अच्छा नहीं बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। अभी यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून के करीब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद स्पून से अच्छी तरह से चटनी में हम मस्टर्ड ऑयल को मिला देंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी भी चीज़ की चटनी बनाएं ना तो आप उसमें नमक और हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालें, इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो लीजिए हमारी आंवले की चटनी भी तैयार है। अभी यहाँ पे हम ने जो नाश्ता बनाया था उसके साथ हम आंवले की चटनी को रख देते हैं इस तरह से प्लेट में। तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया है और तैयार किए गए नाश्ते को एक प्लेट में हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक सर्विंग चटनी बाउल जो होती है उसको ले लेंगे और उसमें हम आंवले की चटनी डालेंगे और गर्मा गर्म नाश्ते के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई है और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।